जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एक मात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। तीन लोक के किसी भी प्रदेश पर रहकर मैं चैतन्य प्रदेश के अतिरिक्त कहीं भी नहीं हूँ। मैं लोक के प्रदेश के अतिरिक्त अलोक के प्रदेश में कहीं भी नहीं हूं। मैं शांत प्रदेश को छोड़कर अशांत प्रदेशों में कहीं भी नहीं हूं। मैं चैतन्य प्रदेश को छोड़कर राग और द्वेष के विकल्प के प्रदेशों पर नहीं हूं। मैं ज्ञान के शांत प्रदेशों पर हूं। राग और द्वेष के विकल्प रूपी अशांत प्रदेशों पर मेरा अस्तित्व नहीं है। पर द्रव्य और प्रभाव से भेद विज्ञान, ये तत्व विचार से भेद विज्ञान होते होते अपूर्व दशा प्रकट होती है। अपूर्व दशा प्रकट होती है कि उपयोग विकल्प से हटकर जब स्वयं में स्थित होता है, जब उपयोग विकल्प से हटकर उपयोग में स्थित होता है, निर्विकल्प होता है। इतना भी विकल्प नहीं कि मैं उपयोग को जानूं, क्योंकि उपयोग का स्वभाव ही नहीं कि जहां विकल्प हो। इसलिए शुद्ध चैतन्य में शुद्ध चैतन्य की अनुभूति, चैतन्य मात्र में चैतन्य मात्र की अनुभूति, आत्मानुभूति, क्योंकि ज्ञान के अतिरिक्त मेरा कहीं पर भी अस्तित्व नहीं। भले ही पूर्व भव में ये मैंने सुना है,
कि अनंत देह को धारण किया, अनंत देह को छोड़ा, मगर देह के संयोग और वियोग के काल में यदि स्वरूप के निकट जाकर स्पर्श ना हो, स्वरूप के निकट जाकर अनुभव हो, स्वरूप के निकट जाकर अंतर में स्वसंवेदन हो, तो यह पहचान होगी कि अनंत देह के परमाणुओं में जो ध्रुव चैतन्य सत्ता गई नहीं, वह सत्ता मात्र होना, संयोग होना और वियोग होना, मगर संयोग और वियोग के काल में न कुछ मिलना न कुछ बिछड़ना, ऐसा जो द्रव्य का स्वभाव है, इस स्वभाव की स्पर्शना ही चैतन्य की स्पर्शना। संयोग और वियोग के काल में संयोगी पदार्थ पर जोर नहीं, वियोगी पदार्थ पर जोर नहीं, जोर है तो मात्र स्वभाव और स्वभाववान, और ये जागृति की इसके अतिरिक्त कोई सत्ता नहीं, स्वभाव और स्वभाववान। संयोग और वियोग के काल में बाहर की ओर ध्यान न जाए, यदि स्वरूप की ही दृष्टि हो तो फिर चैतन्य के अतिरिक्त कुछ अनुभव में ही नहीं आ सकता। यदि तुम्हारी दृष्टि इतनी अंतर्मुख हो तो तुम्हें अरूपी में भी चैतन्य स्वरूपी का दर्शन हो सकता है, भले ही जो दिखता नहीं मगर वही तुम्हारी दृष्टि में आ सकता है, जो दृष्टि से तो नहीं दिखाई देता, जो आंखों से नहीं दिखाई देता, चक्षु से नहीं दिखाई देता, मगर चक्षु से जो पार है वह दृष्टि में सदाकाल बना रहता है। ये सदाकाल दृष्टि में जो बना रहे वही मैं हूं। सम्यक दृष्टि की ऐसी दृष्टि है। संयोग और वियोग के काल में सिर्फ स्वभाव रूप दृष्टि और ऐसी निर्विकल्प दृष्टि कि जिस दृष्टि के लिए कोई चिंतन न करना पड़े, जो वस्तु का स्वभाव है वो स्वभाव इतना स्पष्ट है, वह स्वभाव इतना अनुभव गोचर है, इसलिए वहां विकल्प की जरूरत नहीं, निर्विकल्प दृष्टि। संयोग और वियोग के काल में गुड़, जिस गुड़ को अभी डिब्बे में डाला और गुड़ को डिब्बे में डालकर फिर उस गुड़ को डिब्बे में से बाहर निकाल दिया, अभी तुम गुड़ को देखो कि गुड़ को डिब्बे का संयोग हुआ और गुड़ को डिब्बे का वियोग हुआ। ये जो संयोग और वियोग है उसमें तुमने गुड़ के अतिरिक्त और कुछ देखा है, इसलिए गुड़ का संयोग और गुड़ का वियोग दिखता है। मगर यदि गुड़ के स्वभाव के निकट जाकर तुम देखो तो जब गुड़ डिब्बे में गया उस समय मिठास कहाँ गई, मिठास में क्या नयापन आया? पहले भी गुड़ मीठा था और जब डिब्बे में गया तब भी मीठा है, और जब गुड़ डिब्बे में से बाहर निकला, डिब्बे का वियोग हुआ, तब भी गुड़ में क्या नयापन आया? गुड़ तो मीठा है। ऐसे ही स्वभाव रूप दृष्टि अनंत अनंत देह को धारण किया, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली ये अनंत भव, जानवरों के भव, नारकियों के भव, मनुष्य के, देव के, ये चारों गतियों के भव को धारण किया, मगर सम्यक दृष्टि की दृष्टि संयोग हुआ नहीं। एक देह का एक परमाणु भी आत्मा के साथ टिक करके तो नहीं रहा नहीं। ये गुड़ एक डिब्बे में से दूसरे डिब्बे में पलटता ही रहता है नहीं, मगर ये जागृति की जो गुड़ निरंतर डिब्बे में से डिब्बे में से डिब्बे में से पलट पलट करके भी वो अपनी मिठास में, ध्रुव सत्ता में, अपनी नित्यता में स्थित है।
और वहां तो मैं डिब्बे का विकल्प ही नहीं होता, यही तो देहातीत दशा है। एक मात्र ध्रुव चैतन्य सत्ता, सत्ता में न कोई संयोग है और सत्ता में न कोई वियोग है। इसलिए स्वरूप के अंतर्मुख होकर के जिसकी दृष्टि इतनी सम्यक हुई, उसे अब बाहर के दूर दूर के संयोगों और वियोगों में कोई भी परिवर्तन नहीं दिखता, वो एक पकड़ नहीं छूटती, वो एकत्व नहीं छूटता, वह स्वरूप की पकड़ है, स्वरूप का एकत्व है। कहीं पर भी तुम्हारी नजर घूमे, आंख तुम्हारी बाई दिशा की ओर घूमे या फिर आंख तुम्हारी दाई दिशा की ओर घूमे, आंखों का घूमना हो मगर आंखों का घूमना होने पर भी आंख आंख में से कहां दूर जा रही है। कभी तुम्हें सूर्य पूर्व की ओर दिखता है और कभी तुम्हें सूर्य पश्चिम की ओर दिखता है, मगर सूर्य अपनी सत्ता में है, सूर्य के लिए कोई पूर्व नहीं, कोई पश्चिम नहीं। सूर्य तो सूर्य की सत्ता में है, सूर्य को क्या लेना देना कि मैं पश्चिम की ओर जा रहा हूं, सूर्य को क्या लेना देना कि मैं पूर्व की ओर जा रहा हूं। संयोग और वियोग के काल में भी स्वरूप का ऐसा ही जोर, वो कहां जा रही है, कहां से वियोग हो रहा है और कहां संयोग हो रहा है, उससे उसे क्या। यह जागृति प्रति समय एक कमरे से जलती हुई ज्योति दूसरे कमरे में जाए न भगवान, तो वियोग तो हुआ पहले कमरे का, संयोग तो हुआ दूसरे कमरे का, मगर तुमने कमरे के साथ में ज्योति को देखा है। मात्र ज्योति को देखो और ज्योति ज्योतिर्मयी ऐसी ही तुम्हें दिखाई दे कि जहां न पहला कमरा छूटा न दूसरा कमरा मिला, कुछ भी छूटा नहीं, कुछ भी मिला नहीं, खोना और पाना वहां है ही नहीं, वहां मात्र प्रज्वलित होना है। ऐसी ही स्वरूप की दृष्टि, चैतन्य दृष्टि, कि जहां अनंत परमाणुओं के वियोग और संयोग में यही तो कारण है कि मृत्यु होने पर भी ज्ञानी अमृत के रस को क्यों नहीं छोड़ता, यही तो कारण है अनंत परमाणुओं के बैर बिखेर होने पर भी ज्ञानी की दृष्टि ऐसी चैतन्य दृष्टि कैसे है। सीधी सी बात है, चैतन्य जीवन है, आंखों से नहीं दिखाई देता मगर जो जीवन जाना तो दृष्टि में रहता है। इतनी कोरोना की बीमारी है ना, ऑक्सीजन तो हवा है, हवा तो आंखों से हमें दिखाई नहीं देती ना, ऑक्सीजन हमें आंखों से दिखाई तो नहीं देता ना। अब हवा आंखों से नहीं दिखाई देती मगर जो व्यक्ति तड़प रहा है मृत्यु की घड़ी में, वो जीवन और मृत्यु के बीच में झूल रहा है, उस व्यक्ति को ऑक्सीजन जो आंखों से तो नहीं दिखाई देता मगर दृष्टि में वही है, और उसे ही नहीं उसके परिवार जनों को भी वही दिखाई देता है ऑक्सीजन। बोतल मिल जाए, बोतल नहीं ऑक्सीजन, बोतल तो दिखाई देती है, ऑक्सीजन दिखाई नहीं देता मगर महिमा ऑक्सीजन की जो दिखाई नहीं देता, एक ही कारण से कि ऑक्सीजन जीवन है। ज्ञानी की दृष्टि में अरूपी चैतन्य तत्व क्यों नहीं छूटता, दृष्टि में से छूट ही नहीं सकता क्योंकि जीवन है, यही तो मेरा अस्तित्व है, यह मेरी सत्ता है, यह चैतन्य जीवन। इसलिए प्रति समय यह जागृति, हे ज्ञान दीपक, यह जागृति कि देह के परमाणु के संयोग और वियोग में बिखरता हो मगर तुम्हारा जोर अनंत गुणाधिपति एक न्यायक देव पर बैर बिखेर हो, गुब्बारा फूटता हो, बम विस्फोट होता हो, अनंत परमाणु बैर बिखेर होते हो मगर तुम्हें घनता
ऐसी चैतन्य की घनता की दृष्टि, ऐसी श्रद्धा कि जहां बैर बिखेर होना होता नहीं, जहां बिखरना न होगा, वहां उस स्वभाव को देखना, उस स्वभाव न बिखरा। कितना भी कैसी भी परिस्थिति हो, कागज में बंधा हुआ गुड़ यदि बच्चा रास्ते से लेकर जाता है और वह गुड़ नीचे गिर गया, कागज फट गया, बैर बिखेर हो गया ना। कागज बैर बिखेर हो गया, मगर कागज के बैर बिखेर होने से भगवान गुड़ की जो मिठास है, वो मिठास गुड़ भी बैर बिखेर होगा, हो गुड़ भी नीचे गिरेगा, तो उसमें उस स्वभाव को तुम कैसे देखना। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा, ये अनंत परमाणुओं के बैर बिखेर होने पर भी जो चैतन्य परमात्मा, जो अपने स्वभाव से बैर बिखेर नहीं होता, अलग होना हुआ ना, वो कागज के जो परमाणु थे, वो कागज के परमाणु बैर बिखेर हुए, वो कागज के परमाणु अलग हुए, कुछ परमाणु है एक दिशा में, कुछ परमाणु दूसरी दिशा में, मगर जो गुड़ एक दिशा में रहे और मिठास दूसरी दिशा में जाए, ऐसा नहीं, वो मिठास का गुड़ से बिखरना नहीं हुआ। ऐसे ही ये चैतन्य परमात्मा में भगवान आत्मा अपने चैतन्य स्वरूप में से बिखरता नहीं, ये दृष्टि सम्यक दृष्टि को, मेरा अस्तित्व गुड़ है तो मिठास के अलावा वो कहीं नहीं, ऐसे ही मैं भगवान आत्मा हूं और ये अनंत परमाणु का बैर बिखेर होना होता हो, प्रति समय ऐसा बैर बिखेर होना होता होने पर भी ऐसी दृष्टि तुम्हें प्रकट हो भगवान, अनंत परमाणुओं में भी जो गया नहीं, इसलिए तुमने देह को धारण किया, उस रूप में देखा है ना, इसलिए तो मृत्यु का भय सताता है। देह को ग्रहण किया, किसने ग्रहण किया, वह ग्रहण करना उसका स्वभाव है, गुड़ मिठास स्वरूप है, कागज के परमाणु को ग्रहण करना यह गुड़ का स्वभाव है, स्वभाव है मिठास से भरपूर, और ऐसे ही निज सत्ता, ये चैतन्य सत्ता, ये सत्ता की जागृति, ये चैतन्य तत्व के दर्शन के बिना सभी दर्शन झूठे हैं, भ्रम है, एक ही दर्शन है चैतन्य दर्शन। यही कारण है कि ज्ञानी जहां देखते हैं वहां चैतन्य 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 का दर्शन होता है, ऐसा अहोभाव चैतन्य परमात्मा के प्रति जगा। पर्याय में राग और द्वेष के विकार होने पर भी पर्याय की विकृति तो जिनकी दृष्टि में नहीं, ऐसा त्रिकाल शुद्ध परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा जिनकी दृष्टि में पर्याय में विकार है, मगर पर्याय में विकार होने पर भी, वो पर्याय में विकार होने पर भी जहां चैतन्य स्वरूप ऐसा भगवान आत्मा, वहां दृष्टि गई कि हीनता का भाव ही मिट गया। पर्याय में जो भी विकार है, वो विकार में वो हीनता का भाव मिट गया। ऐसा हो अंतर में जोर स्वरूप पर है ना, कितनी भी सोने पर धूल लगी हो और कोई तुम्हें धूल वाला सोना देता हो तो भी तुम क्यों ना लोगे, तुमने उसकी दृष्टि में वहां पर उसकी महिमा जानी ने कि इसकी महिमा कम नहीं हुई, इसलिए वह है तो है। ऐसा हो वह है तो है, हो ऐसा स्वरूप है भगवान, ये चैतन्य स्वरूप के प्रति ऐसा अहोभाव जगा कि जो चैतन्य परमात्मा, ये सत्ता स्वरूप चैतन्य परमात्मा पर्याय में विकार होने पर भी, अशुद्धता मलिनता होने पर भी, वो मलिनता का विकल्प नहीं, मलिनता है ऐसा विकल्प नहीं,
और दृष्टि मात्र चैतन्य परमात्म तत्व पर वो अहोभाव आता है। तुम कहो अहोभाव आए कैसे, इतना मैल है, इतना कषाय का कचरा है, फिर भी ओ हो ऐसा चैतन्य 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 अहोभाव, ये अहोभाव ऐसा हो कचरा वाला नहीं, मैल वाला नहीं, ऐसा वो धन जैसे तुम्हारी तिजोरी में तुम रोज का अनुभव करो। तुम्हारे पास में इतना धन आता है, अब तुम्हारी तिजोरी में करोड़ों रुपये हो भगवान, करोड़ों रुपये तुम्हारी तिजोरी में, वो जो रुपये की नोट है, दो दो हजार रुपये की नोट तुमने अपनी तिजोरी में भर कर रखी है, वो जो नोट है उस नोट में एक व्यक्ति का नहीं, हजारों लोग के हाथ की धूल, हजारों लोगों के वो पसीना, हजारों लोगों का जो मैल, वो सब मैल उस नोट के ऊपर चिपका है। वो पसीने वाली नोट है, वो इतनी बदबू वाली नोट है, उस नोट को देखो बिल्कुल, जब वो बैंक से आई थी तब तो वो ऐसी साफ सुथरी थी, मगर जब वो नोट उसका आकार उसका रूप बदल गया, उसका रंग बदल गया, इतनी 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 पसीने वाली बदबू वाली वो नोट, मगर पसीने वाली और धूल वाली मिट्टी वाली ऐसी रास्ते पर भी गिरती है तो भी उठा लेते हैं, और ऐसी नोट कहां कहां से गरीब की झोपड़ी में, कौन सी जाति का कौन सा व्यक्ति कौन से रूप में कहां 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 से कहां कहां रख करके, ऐसा हो उसने वो नोट को ऐसा, मगर उस नोट को अंतर में माना कि अरे ये तो पूजा करने जैसी, लक्ष्मी की पूजा करते हैं ऐसा, ये भी हमारे देश में होता है। वो अमेरिका डॉलर का दीवाना है मगर डॉलर की पूजा नहीं करता, ये हम मूर्ख लोग ये रुपये की पूजा करने वाले, ये रुपये की पूजा वास्तव में वो लक्ष्मी, ये मोक्ष रूपी लक्ष्मी, ये लक्ष्मी है कि जो पर्याय त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक में लीन हुई स्थिर हुई वो लक्ष्मी है, जो चारित्र स्वरूप में लीन हुआ रमण करता है, ऐसा वो चारित्र का अर्थ तो रमण करना है ना, ये अंतर्मुख होना, इसलिए तो ये कहा रमण जो करे, ये स्त्री के लिए कहते ना स्त्री रमणी है, रमणी रमण, रमणक से ये रमणी शब्द बना कि जिसमें रमण करने से रमणी की प्राप्ति होती है, इसलिए कहा शिव रमणी रमनार तू, तू ही देव नो देव, मोक्ष को रमणी कहा क्योंकि रमण से प्राप्त होने वाली जो अवस्था वो रमणी है, मोक्ष रमणी है, चारित्र का अर्थ रमण है, ये परम लक्ष्मी है, मगर ऐसी लक्ष्मी जो पसीने वाली हो ना भगवान, पसीने वाली बदबू वाली, मगर उस लक्ष्मी को भी वो तिजोरी में ऐसा मान कर कि ये मेरा धन, यही सब कुछ है, ये मेरा जीवन है। गुरुदेव तो ये कहते थे अज्ञानियों के लिए तो ये जो रुपये है वो ग्यारहवा प्राण है, ऐसा मान करके बैठे ये, उसके बिना जीव कैसे, ऐसा पाप के बिना जीव कैसे, परिग्रह के बिना जीव कैसे, अज्ञानी की ये मान्यता, ऐसा ये अज्ञानी कि जो रुपये की नोट में कितनी भी मलिनता हो मगर ऐसा अहोभाव की वह नोट जो है उसकी महिमा कम नहीं हुई, ऐसी परिपूर्णता की जागृति भगवान, कि पर्याय में विकार है मगर पर्याय में विकार होने पर भी उस स्वरूप में कोई भी दोष नहीं, क्योंकि उस स्वरूप से, उस स्वरूप में तो भगवान दोष एक समय के लिए नहीं आया, उसका प्रमाण क्या, वो जो 100 रुपये की नोट हो और 100 रुपये की नोट लेकर के तुम बाजार में गए, इतनी पसीने वाली नोट है, ऐसा हो ये ऐसे ऐसे करते ना कि अरे इसके हाथ का खाना हम नहीं खाते, ऐसे लोग हैं ना,
इनके हाथ का खाना नहीं खाते, इनको छू ले तो फिर हम घर पर आकर के ना लेते। मुझे तो बहुत बार विचार आता, इसका हाथ लग गया अब मैं खाना नहीं खाऊं। वह व्यक्ति ऐसा हो, वहां पर रास्ते पर वो विष्ठा पड़ी हो, ने गोबर पड़ा हो, गाय का गोबर, भैंस का गोबर हो, और वहां पर ऐसा हो, वहां पर मक्खी बैठे और वह मक्खी उड़ती हुई आकर के मिठाई पर आकर बैठे, मक्खी को उड़ा करके फिर वो मिठाई को खाता है, तब विचार नहीं आता है कि वो मक्खी कहां से आई थी। मीठे के रस की रुचि होने के कारण उसका विकल्प नहीं आया कि मक्खी कहां से, निगोद में से मैं आया और अनंत दुख को भोग करके आया, ये दृष्टि में नहीं आता। चैतन्य परमात्मा की दृष्टि जहां है वहां वो विकल्प नहीं आता। उसका प्रमाण क्या? उसका प्रमाण ये है कि तुम 100 रुपये लेकर के तुम बाजार में गए और 100 रुपये की वस्तु खरीदना चाहा, 100 रुपये, 100 रुपये की वस्तु, अब 100 रुपये में कुर्सी खरीदना चाहा, वहां गए तो दुकानदार ने मना नहीं किए, तो तुम्हें दृढ़ता आई न कि 100 रुपये की नोट भले कितने ही पसीने वाली थी मगर दुकानदार के पास गया तो मुझे कुर्सी जो खरीदनी थी वो आई, माने वो बदबू बाधक नहीं बनी, जो चाहिए वो मुझे मिलता है न, इसलिए वो जो मलिनता है वो मलिनता दृष्टि में नहीं आती। ऐसे ही पर्याय में राग द्वेष की मलिनता होने पर भी शुद्ध चैतन्य परमात्मा पर दृष्टि करने पर मोक्ष रूपी लक्ष्मी, ये मोक्ष का आसन, वो कुर्सी नहीं, सिद्ध शिला पर विराजमान होना होता है। और उस दशा तक पहुंचने के लिए जिसका आश्रय लिया, उस आश्रय लेने वाले में दोष नहीं है, ऐसा ये आश्रय ये चैतन्य तत्व का, इसलिए पर्याय की मलिनता वो मलिनता ज्ञानी की दृष्टि में नहीं है। प्रति समय ये जागृति की, प्रति समय ये स्वभाव की दृष्टि, जिस स्वभाव में दोष नहीं है, ऐसा आ, 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 ऐसा ये भगवान, ये अनंत परमाणु, अनंत परमाणुओं से पार, ये देह से, देह के संयोग और वियोग से पार, ऐसा जो चैतन्य स्वभाव, ये जागृति, माता पिता की मृत्यु हुई, रिश्तेदार की मृत्यु हुई, तुरंत तुम अंदर देखना, ज्ञान भगवान आत्मा से अलग हुआ, ज्ञान और भगवान आत्मा के बीच में कोई वियोग हो गया, नहीं हुआ तो यहां कुछ भी नया नहीं हुआ, यहां कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा मुझे प्रति समय अनुभव में आने वाला ये भगवान आत्मा, मैं हूं भगवान। ओ ओ ओ ओ ओ, ओ ये कला है भगवान, ये जीवन है, ये जीवन है। संयोग और वियोग ये तो देहातीत होने की कला है, देह होने पर भी देहातीत होने की कला, ऐसे ही ये चैतन्य परमात्मा की दृष्टि तुम्हें प्रकट हो। ऐसी चैतन्य परमात्मा की दृष्टि की चैतन्य, ये देह होने पर देहातीत, विकल्प नहीं आया, सबसे पार हो कि ये वियोग हो गया, ये संयोग हो गया। कुछ कभी भी ऐसे उछल कूद होती हो ना, इतनी संपत्ति तुम्हारे पास आए मगर ऐसी अंतर्मुख दृष्टि होगी ना, तो वहां पर ऐसी वितराग शांत परिणति रहेगी भगवान, ऐसी वितराग शांत परिणति स्वरूप की ओ, ऐसी दृष्टि जाते ही कि ज्ञान, उस ज्ञान का भगवान आत्मा में संयोग नहीं हुआ, ऐसा हो, ज्ञान का भगवान आत्मा में संयोग नहीं हुआ। वो जानने वाली ज्ञान की पर्याय कि तुमने रुपये घर के अंदर आते हुए ज्ञान में जाने, मगर तुम्हारा जोर है कि जो ज्ञान का जानने रूप परिणमन त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में से कहीं बाहर से नहीं आया, और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में से ज्ञान कहीं बाहर नहीं गया,
तो यहां नया क्या हुआ? ऐसा भगवान आत्मा का जोर संयोग और वियोग के काल में। इसलिए ज्ञानी ज्ञानी जो वास करते हैं वो तीन लोक में वास नहीं करते भगवान। ये तीन लोक के भेद तो निकल जाते हैं, वहां तो देह नहीं रहा, वहां आकाश के प्रदेश का विकल्प नहीं। हो भगवान आत्मा ऐसा स्वरूप, ये चैतन्य स्वरूप के कौन से आकाश के प्रदेश पर, ये विकल्प नहीं, निर्विकल्प अनुभूति में। यही तो कारण है सातवें नरक का नारकी। सातवें नरक में ऐसा सम्यक दृष्टि वो कौन से अधोलोक में है? वो तो अंतर्मुख जहां होता है वहां तो सातवां नरक भी नहीं, मध्य लोक भी नहीं, ऊर्ध्व लोक भी नहीं, वहां तो एक है, क्योंकि वहां आकाश नहीं है ना। ये अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक तो ये आकाश द्रव्य के भेद है न, लोकाकाश के भेद है न, ये तो परद्रव्य है। जैसे ये देह में हूं, मैं मनुष्य हूं, ये मनुष्यपना, ये देह है, ये पुद्गल है, ऐसे ही मैं अधोलोक में, मध्यलोक में, ऊर्ध्वलोक में ये आकाश है, और अनुभूति में तो मात्र चैतन्य है, जहां न पुद्गल, जहां न आकाश, और यहां तक कि जहां न मन के विकल्प, 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 विकल्प की जो उलझन है ना, वो वहां नहीं है भगवान। ये विकल्प इसलिए तो मनुष्य नहीं रहा। ओ ओ ओ अनुभूति में आ आ मनुष्य नहीं रहा, मनातीत विकल्पातीत हुआ। देह होने पर देहातीत, मन होने पर मनातीत। और जितना तेजी से यहां वहां भटकने वाला मन, वो मनुष्य का मन, ये मनुष्य शब्द जो बना है ना, वो मन से मनुष्य शब्द बना है, और किसी भी गति के लिए ये नहीं कहा। ये मनुष्य के लिए मन, हमारी भाषा में यह मनुष्य शब्द है, ऐसा उर्दू में भी एक शब्द है जिसको कहते हैं आदमी। आदमी माने मनुष्य, मगर बहुत बड़ा फर्क है। आदमी शब्द बना है अदम से, अदम का अर्थ है मिट्टी, जो मिट्टी से बना, मिट्टी का पुतला वह आदमी, अदम से बना वह आदमी है। वह तो सिर्फ इतना कहता है कि जो मिट्टी का पुतला है वह आदमी है, मगर मनुष्य जिसका मन इतना भटकता रहता है वह मनुष्य है। इसलिए तो किसी भी जानवर ने अपने बेटे के बेटे के बेटे के लिए संपत्ति इकट्ठी करने की कोई 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 तैयारी नहीं की है। वो एकमात्र मनुष्य, मेरे बेटे का क्या होगा, उसके बेटे का क्या होगा। बेटे का मुंह देखा तो ऐसा विचार आता है ना भगवान कि उसके बेटे को भी देखो, उसके बेटे को देखो, उसके बेटे को देखो। ये जानवरों में ये नहीं, जानवरों में ये नहीं। ये मनुष्य का मन कहां 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 भागता दौड़ता है। इसलिए ये मनुष्य का, मनुष्य मन, इसलिए अंग्रेजी में शब्द है जो मैन, मैन शब्द भी जो बना वो असल में है मन, मन से ही मैन बना, मन से ही ह्यूमन, ह्यूमन, ये मनुष्य, उसमें भी मन है ह्यूमन, ये मन। और जब निर्विकल्प अनुभूति होती है वहां तो मन न रहा, वहां तो ज्ञान मात्र भगवान आत्मा। इसलिए मैं मनुष्य ऐसा नहीं, इसलिए मैं बैठा हुआ भगवान आत्मा ऐसा नहीं भगवान। इसलिए चैतन्य तत्व विचार, जिस चैतन्य तत्व विचार में मैं अब आत्मा का ध्यान करने बैठता हूं, ऐसा विकल्प रहे तो मां के गर्भ में उल्टा लटकने वाला है। मैं बैठा हूं आत्मा का ध्यान करने,
पहले तो ध्यान करने वाला मैं, माने पर्याय से ही शुरुआत की, मैं आत्मा का ध्यान करने वाला, माने पर्याय ध्यान करती है, पर्याय स्वरूप अपने को मान करके मैं ध्यान करने वाला, और कि मैं ध्यान करने बैठा हूं, माने मनुष्य भी माना, पर्याय स्वरूप माना और देह स्वरूप माना, और मैं न मनुष्य, न मैं बैठा, न मैं ध्यान करने वाला, जो बैठा है उससे पार और जो ध्यान हो रहा है उस ध्यान का विषय, ऐसा मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसी श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। ऐसा हो एक ज्ञान दीपक, ऐसा अपूर्व पुरुषार्थ तुम्हारे अंतर में जगे भगवान, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा ध्यान का ध्येय, ऐसा चैतन्य परमात्मा, इसलिए वहां मनुष्य तो रहता ही नहीं। मनुष्य नहीं रहता तो फिर, अब तो मनुष्य नहीं रहा तो पति पत्नी पुत्र परिवार ये सब कहाँ है। इसलिए ज्ञानी की दृष्टि, वो दृष्टि तुम्हें अभी भगवान, जब तुम्हें सम्यक दर्शन होगा तब तुम जानोगे, ये जानोगे कि चैतन्य परमात्मा में तो मनुष्य है ही नहीं, चैतन्य परमात्मा में मन नहीं है, चैतन्य परमात्मा में विकल्प नहीं है, चैतन्य परमात्मा में मन का रोग नहीं है। ऐसा रोग अनेक प्रकार के होते, सिर दर्द भी हो, पेट दर्द हो, ऐसे रोग हो, रोग अनेक प्रकार के होते हैं, मगर स्वास्थ्य अनेक प्रकार का नहीं होता। स्वास्थ्य तो स्वास्थ्य है, कोई कहे ना मैं बीमार हूं, तुम पूछोगे कौन सी बीमारी है, मगर किसी को पूछा कि तुम कैसे हो, सामने वाले ने कहा स्वस्थ हूं, तुम कभी ये पूछते हो कि कौन से स्वस्थ हो, स्वस्थ माने स्वस्थ, स्वस्थ का प्रकार नहीं होता। ऐसा हो भगवान, मैं मन के रोग वाला नहीं हूं, मैं मन के रोग वाला नहीं, तुम क्या मानना, मैं मन के रोग वाला नहीं हूं, मैं स्वस्थ हूं। जो व्यक्ति अपने को मन के रोग वाला मानता है वह व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है, और जो अपने को स्वस्थ, स्वस्थ का भाव कि पर्याय है, वो पर्याय स्व में स्थित होती है, द्रव्य तो त्रिकाल स्थित है ही, अगर पर्याय जो द्रव्य में स्थित होती है, ऐसा मैं स्वस्थ नहीं हूं, मैं त्रिकाल स्वस्थ हूं, जिसका प्रकार नहीं। इसलिए कषायों के प्रकार होते हैं, पाप के प्रकार है, ये पाप के प्रकार है, 5 प्रकार के पाप होते हैं, 25 प्रकार के कषाय के प्रभेद होते हैं, ये सब होते हैं, ये सब भेद। वास्तव में तो एकमात्र चैतन्य परमात्म तत्व ऐसा स्वरूप है, इसलिए जितने भी भेद है वो भेद स्वरूप में नहीं है। ऐसा ये जो ब्रह्मचर्य के भेद है ना, 18,000 भेद, 18,000 भेद किसको याद रहेंगे, है कोई तुम में याद रखने वाला, 18,000 प्रकार के ब्रह्मचर्य के भेद, वास्तव में वो ब्रह्मचर्य के भेद नहीं है, वो अब्रह्मचर्य, अब्रह्म चर्य ब्रह्म में विचरण नहीं करता, उसके वो भेद है, उसके भेद है कि इस प्रकार से, ऐसे ऐसे प्रकार से कुशील का सेवन होता है, 18,000 प्रकार से, और वो सेवन नहीं होता तो उसको कह दिया 18,000 प्रकार का वो जो शील, उस शील का पालन करते, वास्तव में ब्रह्मचर्य के 18,000 प्रकार नहीं है। 18,000 प्रकार तुमको याद करने के लिए दिया जाए तो तुम कहोगे इससे बेहतर ब्रह्मचर्य का पालन कर ले, मगर 18,000 प्रकार के दोष ये हमसे नहीं होंगे। स्वास्थ्य के भेद नहीं होते,
इसलिए ब्रह्मचर्य सीधी सी बात है, ब्रह्म में चर्या, ब्रह्म में स्थिरता, बस ये ब्रह्मचर्य। इसमें 18,000 प्रकार के भेद ऐसा हो, हे ज्ञान दीपक, ऐसा स्वरूप, इसलिए ये कठिन नहीं है। 18,000 प्रकार के भेद तुम्हें बता दिए, तुम्हें सुनाए, तुम्हें याद करने को कहा, इसलिए तुम्हारे लिए धर्म बहुत कठिन हो गया और तुम्हें याद रहते नहीं। और सामने जो पंडित उसको सब याद रहता है, तो तुम्हें अहो भाव आता है, अरे हम तो ऐसे कब होंगे, हम कब होंगे। नहीं भगवान, क्षयोपशम ज्ञान लेकर के कोई तुम्हारे सामने आए और तुम्हें अहो भाव आए और अपने को हीन माना, तो तुमने अपने को क्षयोपशम ज्ञान की अल्पज्ञता के कारण अपने को नीचा माना, तुमने पराये के कारण अपने को नीचा माना। यहां तो ये कि क्षयोपशम ज्ञान नहीं, ज्ञानी की अंतर परिणति को भी न देख करके, क्षयोपशम ज्ञान तो नहीं, ज्ञानी की अंतर की शुद्ध परिणति को न देख करके अपने त्रिकाल शुद्ध चैतन्य स्वरूप को देखना, तो अहो भाव आएगा। ऐसा ओ हो, ऐसा अहो भाव, अहो भाव का प्रकार पूरा बदल जाता है। जो रावण, रावण ऐसा लगता है कि रावण बहुत पापी है, मगर रावण की तुलना राम के साथ की तो रावण बहुत नीचा दिखता है, मगर रावण की तुलना अपने साथ करो तो ऐसा लगेगा कि रावण कैसा महापुरुष था। रावण में भी इतने सद्गुण थे कि सीता जी को 6 महीने तक लंका में रखा, मगर फिर भी हाथ न लगाया सीता की अनुमति के बिना, ऐसा रावण। वो रावण को अपने साथ में तुलना करो तो महिमा आएगी। वो तुलना किसके साथ की? रावण की तुलना राम के साथ की तो नीचा लगता है, मगर रावण की तुलना अपने साथ करो, ऐसा ऐसा भाव। तुमने दो प्रकार से, एक तो पहले तुलना क्या की कि अपनी पर्याय की तुलना ज्ञानियों की पर्याय के साथ की। अपने को क्या माना कि मैं रागी, और ज्ञानी को क्या माना कि वितरागी, तो ज्ञानी ऊंचे लगते, मगर अब दृष्टि बदल जाए, पहले आपको अपने को नीचा देखता है, अब दृष्टि बदल जाए, पहले देखा कि ज्ञानी की वितरागता और अपना राग, तो मैं तो नीचा हूं, मैं नीचा हूं, और ज्ञानी की क्या दृष्टि कि मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव, और ये पर्याय ये मलिन पर्याय से तो मैं महान त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव हूं। अपनी पर्याय की तुलना पराई पर्याय से न करके अपनी पर्याय की तुलना निज द्रव्य से की, तो हीनता का भाव नहीं आता, वो पर्याय की मलिनता की ओर दृष्टि नहीं जाती। ऐसा सूक्ष्म रहस्य है, ये कुछ विरले को समझ में आएगा। हे ज्ञान दीपक, ऐसा ये चैतन्य स्वरूप, जिस स्वरूप की ओर दृष्टि जाने पर जहां देखो वहां ये जागृति रहती है। तुम्हें अनुभव ये तुरंत ऐसा हो, अरे कुछ नहीं, बाहर में कुछ हो रहा था, ऐसा कोई बाहर से तुम्हारे घर पर पत्थर फेंकता हो ना, अब पत्थर फेंकता हो, कांटे बरसाता हो, फूल बरसाता हो, जो भी बाहर होता है, मगर जब तुम्हारा दरवाजा बंद हो गया और वहां किसी ने कांटा फेंका या फूल फेंका, तुम्हें क्या ऐसा हो। भगवान आत्मा ये अनादि अनंत ज्ञान के प्रवाह में, ये जानने के प्रवाह में बीच में ऐसा होगा कि कोई तुम्हारी तारीफ करे, कोई तुम्हारी निंदा करे, मगर तुमने ये दरवाजा बंद रखा, ये दरवाजा बंद रखा तो तुम्हें भीतर, जब तुम दरवाजा बंद कर देते हो तो तुम्हें अंदर क्या अनुभव में आता है? अपना दरवाजा दिखता है और कुछ भी नहीं दिखता, तुम्हें वो दिखता नहीं है, तो वहां वो फूल और कांटे दरवाजे पर नहीं आ रहे,
आ रहे हैं, मगर तुम्हारी जहां दृष्टि है वहां तो वह कांटे भी नहीं और फूल भी नहीं। ज्ञान की पर्याय में राग और द्वेष, ज्ञान की पर्याय में प्रशंसा और निंदा जानने में आने पर भी दृष्टि तुम्हारी चैतन्य पर होने से तुम्हें अनुभव होता है। तुम्हें जानने में तो ज्ञान ही आता है भगवान आत्मा, ये ज्ञान में ज्ञान का अनुभव है भगवान। ओ, 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 ओ। फिर कहां हो, फिर तुम वहां नहीं हो, ऐसी दशा हो। हसन नाम का एक फकीर हुआ ना, फकीर को पूछते कोई कि तुम्हें ऐसा तुम्हें कुछ होता नहीं, वो ये कहता कब्रिस्तान में जाओ वहां मोमबत्तियों को जलाओ, और कब्रिस्तान में जाओ वहां थोड़ी गालियां देकर आओ, मोमबत्ती जलाओ या गालियां दो, बस वहां तो कोई भाव नहीं। ऐसा मैं भगवान आत्मा हूं कि जहां प्रशंसा हो, निंदा हो, स्वागत हो या अपमान हो, ये सब सब परिस्थिति में ये जागृति कि जिसका स्वभाव नहीं, वो जो मुर्दा है कब्रिस्तान में है उसमें वहां राग द्वेष हो ऐसी कोई सुविधा ही नहीं है वहां। ऐसे ही ज्ञान में ये दुविधा ही नहीं है राग और द्वेष की, दोनों विकल्पों की, वहां तो एक ध्रुवता है। ऐसी ये जागृति होने पर अहोभाव आता है। अब पंचेंद्रिय शरीर तो कहां रहा वहां, ये सब जो सुना है ना पंचेंद्रिय मनुष्य का देह मिला है ऐसा, अरे भगवान ये पंचेंद्रिय देह कहां रहा, एकेंद्रिय जीव का शरीर वो जो सांस का ना, एकेंद्रिय जीव का शरीर, पंचेंद्रिय जीव का शरीर, एकेंद्रिय से लेकर के पंच, ये तो जीवों का शरीर है ना, शरीर है। ओ हो हो, कभी पंचेंद्रिय शरीर की ओर देखा, कभी एकेंद्रिय शरीर की ओर देखा, मगर ज्ञान शरीरी ऐसा जो चैतन्य परमात्मा, इस परमात्मा को न देखा। ये सदा मुझे अनुभव में आ रहा है। ओ, ओ, हे ज्ञान दीपक, बस तुम्हें जागृति प्रति समय रहे। तुम देह में हो, मगर देह में होने पर भी अब तुम्हें देह में नहीं हो। भले तुम्हें ये निर्विकल्प अनुभूति सदाकाल न होती हो, क्योंकि सदाकाल मुनिराजों को भी ऐसी निर्विकल्प अनुभूति नहीं होती। पक्षी आकाश में सदाकाल उड़ तो नहीं सकता ना, उसे विश्राम के लिए घोंसले में आना पड़ता है। बस ज्ञानी को यह जागृति, ये विकल्प के घोंसले में मैं आया हूं, विकल्प से इसे घास से घास से घास ऐसे ही मिलते 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 एक घोंसला बनता है। ऐसे ही विकल्प विकल्प विकल्प, अभी ये कहा मैं, अभी ये कहा चैतन्य, अभी ये कहा मात्र, अभी ये कहा भगवान, अभी ये कहा आत्मा, अभी ये कहा हूं, ये जो विकल्प विकल्प विकल्प, ये विकल्पों के घोंसले, ऐसी स्थिति में है पंछी अभी, मगर ये जागृति की घोंसला आकाश नहीं है। विश्राम के लिए पक्षी घोंसले में आए, मगर जागृति की रात्रि में विश्राम कर लिया, सुबह होकर अभी उड़ना है। ऐसी जागृति विकल्प से पार भगवान आत्मा, हे ज्ञान दीपक, ऐसे निर्विकल्प जागृति, विकल्प को तुमने घोंसले के रूप में देखा, और ये जागृति की जहां भेद नहीं, बस ये जागृति
कभी जरूरत पड़ी और एक बार तुम्हारे अंतर में ऐसी दृष्टि प्रकट हो, फिर तो तुम्हें घोंसला बनाने की भी जरूरत नहीं होगी। उस दशा में जब तुम पहुंच जाओ, उस स्थिति में पहुंचे कि वहां तो निर्विकल्प है, यही तो दशा है। इसलिए जो पक्षी घोंसले में है, अभी बच्चा है, थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ और बड़ा होते ही फिर वो उड़ने लगा आकाश में, अब वो घोंसला बनाने क्यों आए? तुमने कभी देखा हो पंछी घोंसले बनाते हैं, खास करके जब नए बच्चे पैदा होने हो, अंडे देने वाली हो, चिड़िया की घोंसले बनाती है, मगर जैसे ही अंडे में से वो चिड़िया का जन्म हुआ, थोड़ी बड़ी हुई, बस घोंसला छूट गए। नए का विकल्प हो कि फिर वह घोंसला बनाती है, तब वो घोंसले में फिर आती है। ऐसा ही जब नए का विकल्प आता है तब घोंसले में आना पड़ता है। इसलिए तो सातवें गुणस्थान में आकाश में विचरण है और छठे गुणस्थान में नए ज्ञानी पैदा हो, ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो, तो इसलिए तो नए ज्ञानी का जन्म हो। लाओ मैं उपदेश दूं, शास्त्र लिखने का विकल्प आता है, प्रवचन देने का विकल्प आता है। ज्ञानी छठे गुणस्थान में, ज्ञानी घोंसले में आते हैं नए बच्चे को जन्म देने के लिए। मगर हे ज्ञान दीपक जागृति कि उड़ना है, और जिसे बोध दिया जा रहा है उसे भी यही कहते हैं उड़ना है, तुम घोंसले में ही मत रहना। ऐसी चैतन्य परमात्म तत्व की निर्विकल्प अनुभूति हे ज्ञान दीपक तुम्हें होगी, बस अनित्यता की असारता के बोध के बल पर तुम्हें ये दशा प्रकट हो। ये देह को तुम्हें शत्रुता और मित्रता दोनों के रूप में न देख करके, बस देह मात्र संयोग है, न मित्र न शत्रु, मात्र संयोग है। पर संयोग भी तब दिखा जब स्वभाव की मस्ती से ध्यान हटा। ऐसे ही अनंत काल तक उपयोग जब अंतर्मुख होता है न भगवान, उपयोग अंतर्मुख होता है आ आ आ आ, तब तो ऐसी दशा अनंत काल तक हो, अनंत काल तक बाहर न आए, ऐसा अपूर्व पुरुषार्थ लेकर के स्वरूप की स्पर्शना होती है। अनंत काल तक हो, अनंत काल तक। क्षणिक का बोध और नित्य का अनुभव, ऐसे क्षणिक का बोध हुआ कि अब एकमात्र त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव नित्य, नित्य का अनुभव, ऐसा नित्य का अनुभव तुम्हें हो भगवान। जितनी थकान होगी बस उतना विश्राम जल्दी मिलेगा। इसलिए तो जो मजदूर काम करते हैं ना, काम करने वाले मजदूर को देखो, पूरे दिन भर कितना काम करते हैं कि रात को बिस्तर पर लेटे कि नींद आ गई। अभी तो लेटे थे कि नींद आ गई, क्योंकि थकान बहुत थी। और जो बड़े बड़े करोड़पति को देखो, बड़े बड़े धनपतियों को देखो, कोई गड्ढा खोदने नहीं गए, कोई मजदूरी करने नहीं गए, रात को नींद नहीं आती। करवट बदलते फिर नींद आ जाती है, क्योंकि करवट बदलते बदलते वो मजदूरी जैसा काम हो रहा है। उस मजदूर को करवट नहीं बदलनी पड़ी, इस करोड़पति को करवट बदलनी पड़ती है,
क्योंकि मजदूर ने वो करवट बदलने की जो तकलीफ थी वो दिन में ही झेल ली है, इसने वो नहीं झेली, इसलिए रात को थोड़ी मजदूरी करनी पड़ेगी। मगर मजदूरी के बिना वो विश्राम नहीं। जब थकान लगे, विकल्पों की थकान, तब सहज विश्राम होगा। उसमें ये परम कृपालु देव और गुरुदेव की पुकार निमित्त बनेगी। भगवान धन्य भागी है हम, ऐसे सदगुरु देवों का योग हमें प्राप्त हुआ। आ, आ, आ। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ये दोनों ज्ञान दीपकों का, दोनों प्रज्वलित ज्ञान दीपक हो, दस दस को एक ने तारा। ये विचार मुझे आ रहा था, मैंने कहा ना मैं आपके लिए 10 किलोमीटर दूर जो उमराला से है ना, वहां प्रवचन अपलोड करने जाता, वहां पर पब्लिश करने जाता, तो वही विचार आता। 10 किलोमीटर जाता तो ज्ञान दीपकों का विचार ऐसा आता, ऐसा विचार आता, भगवान हे ज्ञान दीपक, दस दस को एक ने तारा। 1 किलोमीटर मोटा भाई गाड़ी चलाते तो 1 किलोमीटर गाड़ी चला तो 1 किलोमीटर का ऐसे ही, फिर 2 किलोमीटर गाड़ी चले, 1 किलोमीटर जब गाड़ी चलती तब यही उत्तम क्षमा धर्म का धारी, फिर दूसरे किलोमीटर में उत्तम मार्दव धर्म, उत्तम आर्जव धर्म, ऐसे एक 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 में विचार चलता था। 10 किलोमीटर में वो कृपालु देव, ये धर्म के 10 लक्षण के धारी, और वापिस आता कि गुरुदेव जो धर्म के 10 लक्षण के धारी। ऐसे 20 किलोमीटर का फासला तय हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहां जा रहा हूं, कहां से आ रहा हूं, जहां देखा वहां सदगुरु 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 का दर्शन। और सदगुरु का दर्शन भी इसलिए क्योंकि सदगुरु से पाया मैंने परमात्मा। हे ज्ञान दीपक, दस दस को एक ने धारा, तुम्हें ऐसी दृष्टि हे ज्ञान दीपक प्रकट हो। प्रति समय शांत चैतन्य स्वरूप की जागृति, अशांति के काल में भी, अस्थिरता के काल में भी स्थिरता, विकल्पों के काल में भी निर्विकल्प दृष्टि। बुद्ध का वो जो वचन है, वो वचन मुझे बहुत प्रीतिकर लगता है। अंगुली माल को जो बोध दिया था, अंगुली माल 999 लोगों को तो मार चुका था, उसने प्रतिज्ञा ली थी, व्रत था उसका ये कि 1000 लोगों को मार करके उनके उनकी जो उंगलियां है, उंगलियों को माला गले में पहनूं। इस वजह से उसका नाम अंगुली माल था। 999 को मार चुका था, 1000 की खोज में था, और बुद्ध सामने से आ रहे थे। मगर जो वाक्य है वो वाक्य मुझे आपसे कहना है। अंगुली माल ने वार्निंग दी थी, उसने कहा आज तक मैंने किसी को वार्निंग नहीं दी, मगर मैं आपको वार्निंग देता हूं, तुम जो भी हो बुद्ध, तुम जो भी हो, मैंने आपका नाम सुना है, तुम जो भी हो वहीं पर ही ठहर जाओ, ये वार्निंग देता हूं, वहीं पर ही ठहर जाओ। बुद्ध का ये वाक्य था। मैं कहां चल रहा हूं, वास्तव में बुद्ध चलते चलते आ रहे थे। वो जो वाक्य है कि मैं तो पहले से ही ठहरा हुआ हूं, तू चल रहा है तू ठहर जा, अंगुली माल तू ठहर जा। अंगुली माल को लगा अरे मैं तो यहां ठहरा हुआ हूं और आप चल रहे हो, मगर बात बिल्कुल उल्टी है। जो चलते हैं ऐसे ज्ञानी भीतर में स्थिर है, और जो तुम्हें स्थिर दिखता है वह भी भटक रहा है। इसलिए तो चौथे गुणस्थान में ज्ञानी पूज्य गुरुदेव श्री, पांचवें गुणस्थान में कृपालु देव, ये स्थिर है। भले ही वे विमान की यात्रा करते हो, भले ही वे दुकान की यात्रा करते हो। द्रव्यलिंगी मुनि गुफा में बैठ गया है, मगर वो चल रहा है।
स्थिरता का अनुभव, अस्थिरता के काल में भी स्थिरता का अनुभव। तुम्हें कहीं से भी बदलना नहीं, पलटना नहीं। अशांति में शांति का अनुभव, ऐसा शांत चैतन्य स्वरूप मैं हूं। हे ज्ञान दीपक, ये शांत चैतन्य स्वरूप जिसका न वियोग है न संयोग है, शांत स्वरूप का न वियोग है न संयोग है। ये स्वरूप सदैव शांत है, चैतन्य स्वरूप सदैव शांत है। मैं शांत स्वरूपी चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ओ oh।